नगर निगम भिलाई चरोदा के सभागार में गुरुवार को निगम महापौर निर्मल कोसरे ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया। अध्यक्षता निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर ने की। इस अवसर पर 40 वार्डों के पार्षदों सहित निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर और निगम के अधिकारी शामिल रहे। चरोदा नगर निगम क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान जनहित और विकास के लिए 2,56,88,82,000 रुपए व्यय किया जाएगा। महापौर निर्मल कोसरे ने अपने कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत करते हुए विकास को लेकर जज्बा दिखाया है। बजट में 2,47,37,44,000 रुपए आय का अनुमान लगाया गया है। प्रारंभिक अवशेष में देखें तो 9,75,67,000 मिलने से नगर निगम को 2022-23 के अंतिम में 24,29,000 रुपए के लाभ होने का अनुमान बजट लगाया है। नगर निगम भिलाई चरोदा की सामान्य सभा में महापौर निर्मल कोसरे ने अपने कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत किया। सभापति कृष्णा चंद्राकर के आदेश पर सामान्य सभा की बैठक शुरुआत में तो विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष कांग्रेस और विपक्ष भाजपा के पार्षदों के बीच काफी नोकझोंक और गहमा गहमी देखी गई। महापौर ने विपक्षी पार्षदों के सवाल का जवाब दिया। प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद महापौर निर्मल कोसरे ने बजट प्रस्तुत किया। बजट में 2022-23 के लिए 2,47,37,44,000 रुपए विभिन्न मदों से आय होने का अनुमान लगाया गया है। इस दौरान 2,56,88,82,000 रुपए जनहित कार्यालयीन कामकाज कर्मचारियों के वेतन भत्ते सहित 40 वार्ड के विकास कार्यों में व्यय का अनुमान रखा गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में माने तो नगर निगम को 9,75,67,000 रुपए अंतिम अवशेष मिले हैं। इस राशि को आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित आय में समायोजित किए जाने पर निगम को आय से अधिक व्यय करने के बावजूद बजट में 24,29,000 रुपए का लाभ होने का अनुमान रखा गया है। महापौर निर्मल कोसरे ने बताया है कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापना व्यय 10,78,00,000 रुपए प्रावधानित था, जिसके विरुद्ध 7,44,29,000 व्यय हुआ। इस बार 9,99,76,000 रुपए का प्रावधान इस मद में रखा गया है। सार्वजनिक सुरक्षा के तहत मार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिए 3,00,000, सोलर लाइट से मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 3,00,000, जलगृह मार्ग प्रकाश और अन्य विद्युत देयक भुगतान के लिए 3,40,00,000 का प्रावधान किया गया है। वहीं जन स्वास्थ्य एवं सुविधाओं के तहत आगामी बजट में 36,40,80,000 रुपए की राशि प्रावधानित की गई है। इस राशि से पेयजल व्यवस्था, नलकूप खनन, पाइपलाइन विस्तार, कुआं और जलाशयों का निर्माण व उन्नयन किया जाएगा। निगम क्षेत्र के साफ सफाई हेतु 1,75,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं निर्माण व मरम्मत के लिए 2,00,000 एवं सुलभ शौचालयों का निर्माण करने 75,00,000 रुपए प्रावधानित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देने, वृक्षारोपण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 1,50,00,000 का प्रावधान रखा गया है। श्रद्धांजलि योजना के तहत लाभ देने के लिए 3,50,000 रुपए प्रावधानित किया गया है। 18,679.44 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था 21-22 में, जिसके विरुद्ध में वास्तविक जो आय प्राप्त हुई है 5,572.20 लाख और इस वर्ष 2022-23 के लिए हम लोगों ने आय का जो प्रावधान रखा हुआ है 24,737.44 लाख रुपए आय का अनुमान हम लोगों ने 2022-23 के बजट के लिए रखा है। हमारे नगर निगम में जो नगर पालिका कर और दर है 2021-22 में 909.79 लाख रुपए आय का अनुमान किया गया था। इसके एवज में हमें 701.04 रुपए आय हुए। इस साल हम लोगों ने पालिका कर और दर के लिए 22-23 में 9 वर्ष के लिए 40,00,000 रुपए आय का हम लोगों ने प्रावधान रखा है। शिक्षा उपकर में 21-22 में जो राशि का अनुमान था 27.47 लाख रुपए का अनुमान हम लोगों ने रखे थे और 27.47 लाख रुपए आय हमको अर्जित हुआ। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए हम लोगों का अनुमान है कि 35,00,000 रुपए तक क्या शिक्षा उपकर की आय हमें प्राप्त होगी। जिस तरह में ऑलरेडी पिछले 3 कार्यकाल में हर 5-5 साल में पैसा आ चुका है, उसके बावजूद भी आज उस तरह की स्थिति जर्जर हालत में है, जब उसका अंदाजा भी नहीं कर पा रहे हैं और आप पैसा लगाया जा रहा है वहां से अर्निंग भी कुछ नहीं है, उस तरह में भी
आवश्यकता को देखते हुए उसमें नए काम हो चुका है वही और दोबारा काम करवाने से क्या मतलब है? कोरोना काल के कारण हम लोग बैठे था 3 को, 3 के बाद जो समान सभा विशेष हुआ सिर्फ इसके लिए देवल दम महोत्सव के लिए, इसलिए नहीं आ पाया। अरे कर्मचारी वाला मामला यहाँ उनको भुगतान किया गया और उस भुगतान की पुष्टि चूंकि राशि 1 करोड़ से ऊपर की थी उसकी पुष्टि सामान्य सभा के अंतर्गत होना था और सामान्य सभा का आयोजन नहीं होने के कारण पहले दिया था बजट बैठक में निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर, सचिव अश्वनी चंद्राकर, लेखापाल राजकुमार देवांगन सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरद खरे की रिपोर्ट।